दोस्तों मेरे इसे अहमद सैफी, फिल्म पठान को लेकर एक बाइकॉट जो ट्रेंड चल रहा है, उन बाइकॉट ट्रेंड के जो चिंटू हैं उनके मुंह पर शाहरुख खान ने एक करारा तमाचा मारा है। दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन अंधभक्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशते फिरते हैं, जो हर जगह सवाल पैदा करते हैं, जो आज हमारे देश की एकता अखंडता को तार तार करने में लगे हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं दिल्ली में नई साल वाली रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें अंजलि नाम की युवती की मौत हो गई। मौत के बाद तमाम राजनीतिक दल उनके परिवार से मिले, उनको आर्थिक मदद देने की बात कही, लेकिन वक्त गुजर चुका और करीब 5-6 दिन गुजरने के बाद भी कहीं से किसी के पास से भी कोई मदद नहीं आई। इतने में ही शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन की तरफ से उनको कॉल आया और कॉल पर उनके चाचा की बात हुई। उनके चाचा से मीर फाउंडेशन की तरफ से उनके बैंक के डिटेल्स पूछे गए और उन्होंने अपने बैंक के डिटेल्स दिए। बैंक के डिटेल्स देने के कुछ ही देर बाद मीर फाउंडेशन से दोबारा फोन आया और उन्होंने कहा कि आप अपने बैंक बैलेंस चेक कीजिए। जब अंजलि के चाचा ने बैंक बैलेंस चेक किया तो वाकई में मीर फाउंडेशन की तरफ से उनके अकाउंट में पैसा आया। उन्होंने ये बात खुद बताई, लेकिन मीर फाउंडेशन की तरफ से उनको एक बात और भी कही गई थी कि हम जो धनराशि आपको दे रहे हैं इसका खुलासा ना करें कि हम क्या धनराशि दे रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान दान करते हैं लेकिन वो कभी सुर्खियों में नहीं आते, वो कभी मीडिया में नहीं आते। उनका मानना है, उनके मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि दान इस तरह से करो कि हमारे इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि अगर हम एक हाथ से दें तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता ना चले। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, अपने पूरे परिवार का बोझ उनके ही कंधों पर था। उनके जाने के बाद उनका परिवार बिखर गया, टूट गया। तो दोस्तों ये जो पठान फिल्म का बायकॉट करने में जो बजरंग दल है और तमाम दल है, ये जो चिंटू होते हैं ना लगे पड़े हैं उन फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए, बायकॉट बॉलीवुड का एक ट्रेंड चलाते हैं, ये करते कुछ नहीं है। अगर ये वाकई हिंदू हैं तो जो मरने वाली थी अंजलि वो भी तो हिंदू थी, क्यों किसी की मदद नहीं की, क्यों उन्होंने आगे कोई बढ़कर नहीं आया, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान का ही मीर फाउंडेशन आगे आया और जिन्होंने मदद की। दोस्तों ये करारा तमाचा है उन सभी अंध भक्तों पर जो फिल्म पठान का बायकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को उन अंध भक्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो हर समय हिंदू मुस्लिम की रट लगाए बैठे रहते हैं। दरअसल दोस्तों मेरा सिर्फ इस वीडियो से इतना ही कहने का मकसद है कि शाहरुख खान खान होते हुए भी उन्होंने अंजलि के परिवार की मदद की, जिस खान को लेकर बायकॉट ये बजरंग दल वगैरह ये ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन क्या बजरंग दल और ये तमाम जो दल हैं जो इस ट्रेंड को चला रहे हैं, क्या इनकी आत्मा को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची है? जिसकी हत्या हो गई उसके परिवार की मदद की जाए, लेकिन मदद करेंगे कहाँ से, क्योंकि इस मदद से तो उन्हें कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ उनको तो हिंदू मुस्लिम ये सारे एंगल खोजना है ना। आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। हमारी आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।